ये जो गर्लफ्रेंड है ना, जब तक ये गर्म नहीं होती तब तक ये ठीक से चलती नहीं है। हमारा नया दस्तखान पहले रोजे के साथ भर चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। मूड कैसा हो गया? हेलो दोस्तों, वालेकुम वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। सुबह के बज रहे हैं 4:23। रमजान का पहला रोजा है आज के दिन। तो क्या है कि रात को मैं सो गया था, आदत नहीं थी, ये तो जागा था। और यूजुअली अपने जितने भी मियां भाई लोग हैं ना, वो रात को ऐसे जागते हैं और फिर सहरी करके सोते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी घर जा रहे हैं सहरी करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, खाली खाली मुंबई, मौसम भी काफ़ी ठंडा है सुबह सुबह। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम मेरे लिए है सोकर उठना। कोई भी काम दो मैं कर लूंगा, लेकिन नींद से जब उठना होता है ना, बहुत भारी पड़ता है मेरे को, पता नहीं क्यों। जब सो जाता हूँ तो सो जाता हूँ, कोई उठा नहीं पाता है। जब कोई जिम्मेदारी होती है तो फिर उठ जाता हूँ लड़के अपने आप से, और सबसे मुश्किल लड़ाई मेरे लिए यही है, सो के उठना। क्या बोलता बच्ची? अभी हर दिन की कहानी, पूरा पिछला साल ऐसे आंखों के सामने आ गया। और एक अलग से पंगा भी मैंने लिया है वेट कम करने का, 10 किलो भी। तो थोड़ा डाइट पे भी ध्यान देंगे। एक हफ्ते बाद अगर मैं इधर उधर भटक जाऊं अपने गोल से, थोड़ा कमेंट करके याद दिला देना कि सलीम भाई 10 किलो वेट कम करना है, नहीं तो कमेंट करते रहोगे। मैं इसके भाई सब कुछ बढ़िया है, बस पेट भर आ गया। इसको क्या, अरे ये जब तक गर्म नहीं होती ना तो ये बंद पड़ जाती है। ये जो गर्लफ्रेंड है ना, जब तक ये गर्म नहीं होती तब तक ये ठीक से चलती नहीं है। अरे बहुत हॉट है ये, बहुत इसमें गर्मी बहुत है इसके अंदर। हालांकि इसमें गर्मी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है। ऑन कर, ऑन कर, क्या ऑन किया? पहले रोजे का पहला दस्तखान चावल, चिकन का सालन, और वो भाजी, तुर्रे की भाजी, तुर्रे की भाजी। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, तुर्रे की भाजी। और हमारे साथ में हिंदुस्तान का नंबर वन ब्लॉगर, आलसी ब्लॉगर, नंबर वन, सॉरी आलसी लगाना भूल गया, क्या था? सौरभ भाई को भी पीछे छोड़ दिया था, सौरभ दोषी पीछे। मेरे हर एक ब्लॉग के बाद एक महीने का गैप हो रहा है। इसका टाइटल भी मिल गया, सौरभ जिसको पीछे छोड़ दिया मैंने। थोड़ा ऐसे जो ब्लॉग कर रहे हैं, एक गुजारिश है, बोलिए, रोज डाला कर, कुछ ना कुछ, नहीं तो कुछ ना कुछ तो डाला ही। इससे पहले रमजान में, इससे पहले वाले रमजान में, वो रमजान में कमल में हो जाए, कीचड़ में फूल खिलता है ना, ये रमजान में खिलता है और फिर उसका जो बुझ जाता है। मेरे को सब्सक्राइबर मिलते रोड पे बोलते हैं कि समीर भाई वीडियो नहीं आ रहा है आपका, रमजान का जो व्लॉग होता है ना याहू होता है, वो जो सिनेमैटिक फ्रूट कटिंग होता है ना, वो तो खतरनाक। अपनी तारीफ कर रहे हैं, मस्त टाइम लेके बोल रहे हैं। व्लॉग अगर कंटिन्यू करेगा ना तो तेरे को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है, लेकिन तू डालेगा नहीं तो फिर सपोर्ट करना अच्छा नहीं लगता। अभी सपोर्ट नहीं करेगा, अभी मैं नहीं बोलेगा सब्सक्राइब करो, अभी तेरे देखेगा 5 व्लॉग डाल दो कंटिन्यू। नहीं नहीं, 10 रोज़ कंटिन्यू डालना। मम्मी आके खुद बोलना चाहिए, मम्मी शॉर्ट देगी। ठीक है फिर हम खा लेते हैं जी, खा के हो गया। चलो कर लो भाई, तू आना सो। अरे रुक जा, पानी पिला पहले। ये 18 बज गया भाई। क्या टाइम था आज का? आज है 17। ठीक है, एक मिनट चलता है भाई। तू आना सो, मां का दिल ले आई ताला मिल सही रमजान, मिल फर्ज रमजान। पहला रोजा सक्सेसफुली हमने रख लिया, क्या कि पहले रोजा में गलतियां बहुत होती है। सुबह सुबह उठते हैं हम, प्यास लगता है, हम पानी पी लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है ओ शिट वो नहीं होना चाहिए। सुबह चाय नहीं मिलेगी। सुबह से उठ कर शफिक चाय पिला, नहीं कर सकते। तो वैसे तो पिछले कुछ दिनों में मैं आधा आधा ही खा रहा था, फुल पेट नहीं खा रहा था, लेकिन अभी खा रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है कि शाम तक कुछ खाने नहीं मिलेगा, तो एकदम फुल दबा लिया हूँ। और ज़्यादातर पेट में पानी है, मतलब पता नहीं क्यों खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, और सुबह सुबह कहाँ खाने का दिल करेगा, पानी पीने का बहुत दिल कर रहा था, तो आधा पेट मेरा पानी से ही भरा हुआ है। ओ बाबा ठंडी लग रही है, नींद भी आ रही है। शीशा भी कितना गंदा हो गया है यार, इस रूप में आपने मुझे पिछले रमजान में देखा होगा। पहला रोज़ा ऐसा सुबह उठ के लगा तुझे कि मैं रोज़ा नहीं हूँ, चलो पानी पीते हैं या कुछ ऐसा फील हुआ?
मुझे भी ऐसा लगा कि जब सुबह उठूंगा तो ऐसा होगा कि यू नो गलती से पानी वानी पी लूंगा, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि जो एक्साइटमेंट था ना रमजान को लेके वो ज्यादा था, तो अपने को सबकॉन्शियस माइंड में पता था कि रोजा है, तू रोजा है, मैं रोजा हूँ, मुझे पता था, इसके वजह से वो ऐसा फील हुआ नहीं। 5:30 बज गए। हाँ साढ़े पाँच बज गए। ठीक है तो जा फ्रूट्स लेके घर, मैं तैयारी करता हूँ अफ्तार की, दस्तर खान की। तेल वाली चीज थोड़ा कम लेता, पता है ना डाइट तो मैं, तू नहीं खाएगा बाकी खाएगा। तू जा रहा है, गौरव जी आप भी जाओगे? हाँ भाई। ठीक है जाओ तैयारी करो, जाओ शाबाश। मैं यहाँ कुछ काम कर लेता हूँ। All right. अभी कितने बज रहे होंगे, अराउंड 6:15 या 6:30 बज रहे होंगे। अब मुझे रोजा लग रहा है। वो होता ना कि जब खाना नहीं खाते टाइम पे तो सर दुखने लगता है, वो वाली फीलिंग अभी आ रही है। आते वक्त मैंने अपना वेट चेक किया था कुछ नहीं फर्क पड़ा, 100 ग्राम का भी फर्क नहीं पड़ा जो कल मैंने वेट अपना नापा था। अरे चलो यार, ये पेडेस्ट्रियन लोग अलग ही लेवल पे जाते हैं। सड़क पे चलते चलते मोबाइल, ये देखो बीच में चलना है। अब कोई गाड़ी वाला ठोक देगा तो बोलेंगे कि गाड़ी वाले ने ठोक दिया, गाड़ी वाले की गलती है। पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से जगह बनाई गई है, रोड क्रॉस करने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। ऐसे छोटे छोटे गलियों में समझ में आता है, बट ये मेन रोड है यार। खैर छोड़ो, क्या कि रोज़ा लग रहा है ना, तो जब रोज़ा लगता है तो थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आता है। ओके कटिंग अभी तक हुआ नहीं? हाँ हो रहा है। मैं जल्दी पहुँच गया क्या? वक्त से पहले पहुंच गया। बराबर टाइम है, आधा घंटा पहले आना ही जरूरी है। दुआ करेंगे। शफीक और गौरव को बोला था मैंने कुछ लाने के लिए, लोग लाए नहीं। नहीं वो मिले, हम लोग साथ में शॉपिंग की। अरे तुम्हारा गिफ्ट तुमको कौन बोला फ्रिज में तुम्हारा गिफ्ट, ये क्या चीज है? हम लोग जब शॉपिंग कर रहे थे ना तो भैया कम नहीं कर रहा था, तो उनके ठेले से ये संतरा ले लिया सूफी के लिए। जब डिस्काउंट नहीं मिलता है तब ऐसा कर सकते हो। हाँ मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं मॉल में करता हूँ, ऐसे बड़े बड़े जगह करता हूँ। मुझे नहीं खाना है। तुमको नहीं खाना तो इसको फ्रिज में रखो। तुमको किसने बोला तुम्हारा गिफ्ट फ्रिज में, कि तुमने ढूंढ लिया? जाओ लेके आओ तुम्हारा गिफ्ट, जल्दी लेके आओ, अनबॉक्स करेंगे। जाओ। रमजान का पहला रोजा और पहले रोजे में नया दस्तरखान। वाओ ये तो जायनमाज लग रहा है। दस्तरखान बहुत प्रीमियम दस्तरखान। कितने का मिला ये? ये 100 रुपीज़। क्वालिटी अच्छा है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। ये टेबल पे रखने वाला ऐसा दस्तखान लग रहा है। नीचे भी बैठ के खा सकते हैं, ऐसे वहाँ से बैठते हैं यहाँ से बैठते हैं खाने साथ। सूफी गिफ्ट लेके आए तो इसको ओपन करके नहीं देखा अभी तक, क्या है इसमें? नहीं आता है, ओपन करते इसको। क्या है ये सूफी? डोरेमोन तो है, लेकिन इसके अंदर करना क्या होता है? चाबी रखी हुई है एक, इसमें एक ताला है और इसमें एक चाबी भी है। मनी बैंक, अभी आप पैसे जमा करोगे तुम्हारी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। कैसे हो गया? पढ़ाई के लिए पैसे जमा करोगे? हाँ। हाँ। क्या है सूफी, है शक्कर घोल रहे हो? शक्कर को टक्कर। शफीक भी आ गया है, गौरव जी भी आ गए, मैं जा रहा हूँ किचन में। किचन में क्या क्या है? नारियल पानी कौन पिएगा जिंदगी में? बड़ाड़ा भजिया, कांदा भजिया, वहाँ बड़ाड़ा भजिया बन रहा है, यहाँ समीर फ्रूट्स काट रहे हैं और सारे प्लेट्स तैयार हो चुके हैं। सिर्फ मम्मी की कमी है, मम्मी को मिस कर रहे हैं। आ जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ता नहीं है, टिकट हो गई। मंडे को आ जाएंगे, संडे का ट्रेन है परसों। चलो ठीक है फिर यहाँ किचन में मम्मी की भी आवाज गुजरेगी। मम्मी क्या उसको क्या सास बहू मिलके बनाएंगे और हम लोग सब भाई भाई खाएंगे। ऐसा कितना मन कर रहा है कि इसमें से उठाऊं और गपक सीधे, किसको पता ना चले, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। मेरे को भी काम मिला है, पुदीना और मोहितो का काम चल रहा है। तो ये नींबू को निचोड़ के नहीं करना, ऐसे इसके अंदर ही डालना है। हाँ, इसके साथ में। उसके छिलके के साथ में जो वो कड़वा कड़वा आता है वो भी आ जाएगा। वो भी चाहिए। ऐसे कैसे मोहितो बनेगा फिर? रूम में लेके जाओ। ऑलराइट जी, नहीं हुआ हमारा नया दस्तखान पहले रोजे के साथ भर चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़िया एकदम। तो देखें इसमें तेल वाला आइटम भी है। ऐसा नहीं कि तेल वाला आइटम मैं खाऊंगा नहीं, खाऊंगा, लेकिन जो घर में बना है तेल वाला आइटम वो खाऊंगा। ये बाहर से आया है, ये नहीं खाएंगे, रगड़ा खाएंगे। बाहर के तेल का थोड़ा डाउटफुल है ना, घर का तेल चलेगा। घर का तेल चलता है। टाइम हो चुका है, टाइम बताओ। चाची दरबार में टूट पड़ो।
इफ्तारी करके हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेट साफ है, कहीं पे कुछ बचा नहीं हुआ, थोड़ा सा रगड़ा बचा है, एक केला बचा है, लेकिन वो केला बाद में यूज हो सकता है, मतलब साफ है, कुछ बचा नहीं, तो ये बड़ा अच्छा हुआ है। चलो अब जाएंगे अपने ऑफिस। चलो, ये चांद दूसरे दिन का तो नहीं लग रहा है, तीसरे दिन का चांद है। चांद के नीचे एक छोटा सा तारा है, इसको शूट कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली पहला रोजा कंप्लीट हो चुका है और 29 रोजे। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चालू किया हूँ, आज पहला दिन है, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो पूरा बॉडी पेन करेगा, तो धीरे धीरे होगा। वैसे थोड़ा थोड़ा पुशअप वुशअप तो होता ही था, कभी कभार बीच बीच में गैप हो जाता था, बट चूंकि चैलेंज लिया रमज़ान के महीने में 10 किलो कम करने का, तो बहुत डेडिकेटेडली डिसिप्लिन के साथ करना तो पड़ेगा। नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया, एडिटिंग पे बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी स्पोर्ट्स बाइक को लेके, क्योंकि जब भी मैं कोई मीटअप में जाता हूँ तो वहाँ पर लोग R1 को जरूर याद करते हैं। कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ कल के व्लॉग में, जरा हम स्पोर्ट्स बाइक को लेके गुफ्तगु करेंगे, कल के व्लॉग में आइएगा जरूर 11:11 पे सुबह। बाकी ये व्लॉग होता है यहाँ पर समाप्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा और एक जो भी सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम। चलना।